This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। आज परिवर्तन रैली में शामिल होंगे अमित शाह, विरोध में कर्नाटक बंद। अमित शाह गुरुवार को कर्नाटक में आयोजित भाजपा की परिवर्तन रैली यात्रा में शामिल होंगे। उनके विरोध में कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद होने जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन चालावटी वाटल पक्षाध्यक्ष के नेता वटल नागराज की अगुवाई में होगा, जिसमें कई स्थानीय संस्थाएं भाग लेंगी। इस बंद में कुछ टैक्सी और ऑटो ड्राइवर यूनियन भी शामिल होंगे। बता दें कि 25 जनवरी को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 4 फरवरी को प्रस्तावित है। ये बंद 12 घंटे तक चलेगा, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये संस्थान रहेंगे बंद। विप्रो अधिकारियों ने प्रेस को बताया कि विप्रो लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को 25 जनवरी को छुट्टी दी है। सरकार द्वारा संचालित बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन चालू रहेंगे, लेकिन रैलिंग में कुछ हिंसक गतिविधियां होने की आशंका रहती है, इसलिए अधिकारी इस पर पुनर्विचार करेंगे। किसान नहीं है विरोध प्रदर्शन में शामिल। किसान संगठनों ने कहा कि वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनसे बिना पूछे बंद का आह्वान किया गया है। नदी विवाद है विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह। शाह मैसूर में होने जा रहे विशाल जनसभा में भाग लेंगे। शाह भाजपा कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के चेहरे बीएस येदियुरप्पा की 3 महीनों तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा रैली में शामिल होंगे। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री 4 फरवरी को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आने वाले प्रधानमंत्री को विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। बेंगलुरु में इस हड़ताल का मकसद पड़ोसी राज्य गोवा के साथ लंबे समय से चले आ रहे महादई नदी जल विवाद को दखल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना है। गोवा के साथ कर्नाटक जल विवाद सुलझाने के लिए केंद्र दिलचस्पी नहीं ले रहा। लोगों का कहना है कि इस बंद का आयोजन केंद्र सरकार के विरोध में कराया जा रहा है, क्योंकि गोवा के साथ महादई नदी जल विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार रुचि नहीं ले रही है। इसके चलते 25 जनवरी और 4 फरवरी दोनों ही दिन कन्नड़ के कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आगमन से विरोध में पूर्व विधायक चलावटी वाटल पक्षाध्यक्ष के नेता वटल नागराज की अगुवाई में कन्नड़ के कई संगठन हिस्सा लेंगे। जन भावनाओं से खेल रही है भाजपा। 25 जनवरी और 4 फरवरी को दोनों ही दिन हजार लोग अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उन्हें काला झंडा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अब राजनीति कर रहे हैं। भाजपा कन्नड़ उनके भी भावनाओं के साथ खेल रही है। भाजपा शासित राज्य गोवा के मुख्यमंत्री ने हमें गाली दी है, लेकिन भाजपा के हाईकमान ने इस पर चुप्पी साधे रहे। मुंबई और कर्नाटक के लोग के पास पीने का पानी तक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारकर से ये तक नहीं कह पाए कि आप कर्नाटक के हिस्से का पानी रिलीज कर दे। अगर वो हमारा वोट चाहते हैं तो उन्हें हमारे लिए काम करना होगा। कन्नड़ियों का वोट भाजपा की पैतृक संपत्ति नहीं है, ये बात वटल नागराज ने कहा। धन्यवाद।